नाम इंद्रप्रीत सिंह और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 BHK 3 वॉशरूम। काफी बढ़िया ड्राइंग डाइनिंग, काफी बढ़िया किचन है इसका। किचन अभी तक के इस साइज में काफी बड़ा है, ओपननेस काफी अच्छी है और बिल्डर का टेस्ट एज सच आप देख सकते हैं। अभी फिनिश नहीं हुआ, 3 फ्लोर्स अभी अवेलेबल है। इसमें अभी फिनिशिंग चल रही थी तो मैंने कहा यार आई एक बार दिखाई दूँ घर प्रॉपर तरीके से, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी इसकी वीडियो बना के फिनिश करते हैं। इस तरीके से इसकी एंट्री है, एंट्री से में आ रही है और अभी लिफ्ट इंस्टॉल नहीं हुई, अभी इंस्टॉल हो रही है। पार्किंग में काम चल रहा था तो मैंने पार्किंग नहीं दिखाई। ड्राइंग डाइनिंग के अंदर इटालियन का यूज़ हुआ है, उसके अलावा पूरे घर में टाइल्स हैं। फ्रंट और बैक में ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है, नीचे पार्किंग में प्रॉपर ग्रेनाइट है। पार्किंग का काफ़ी बढ़िया स्पेस है। प्रॉपर्टी के अंदर 3 फ्लोर अवेलेबल हैं तो मैं आपको लेआउट समझाता हूँ। इस तरीके से हमने एंट्री करी, ये सामने मेन डोर है, फ्लश डोर है वुडन का, इसमें लैमिनेट नहीं है, इसमें प्रॉपर पॉलिश का काम किया हुआ है। और एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पे आपका ये प्रॉपर ड्राइंग रूम है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और वो सामने ही निकल आपका ये डाइनिंग का स्पेस है, यहाँ का प्रॉपर डाइनिंग है, काफ़ी वाइड है, आप इसको लॉबी फायर डाइनिंग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। सामने की तरफ ये आपका प्रॉपर लिविंग रूम है और ये आपका डाइनिंग, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम और ये आपका थर्ड बेडरूम। तीनों के तीनों बेडरूम्स में अभी वॉलपेपर इंस्टॉल नहीं हुए। ड्राइंग डाइनिंग में आपको पैटर्न नजर आ रहा है, आपको वॉल का पैटर्न है इसमें, दोनों वॉल्स में पैटर्न दिया हुआ है। और अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ, ये पूजा का स्पेस है, अभी इसमें काम चल रहा है, वॉल वोल्ड का इलेक्ट्रिसिटी पे काम हो रहा है, फिनिशिंग होनी है इसमें। ये आपकी किचन है जो 200-250 रुपये से नीचे की जो कैटेगरी है, इतना बढ़िया किचन मैंने देखा नहीं, काफ़ी बढ़िया स्पेस निकाला है बिल्डर ने। अगर मैं पूरी तरीके से दिखाऊं तो मज़ा आ जाएगा। अब देखिए पूरा क्रॉस वेंटिलेशन जा रहा है और काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है इसका। इसमें क्वार्ट्ज की बेस बनाया हुआ है इसने, जो प्लेटफॉर्म है इसका, और इसी कलर के कॉम्बिनेशन में आपके लैमिनेट है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो ऊपर टाइल्स है सामने जो विजिबल है कलर की मैचिंग लैमिनेट है। और इसमें कैफ का किचन इंस्टॉल है, पूरा किचन कैफ की फिटिंग्स में है, काफी बढ़िया काम किया हुआ है। और ये टॉल यूनिट है, कैफे इसका हॉब आएगा और कैफे इसकी चिमनी आ रही है। ब्लैक कलर की टाइल्स है मैट फिनिशिंग में और ये केरोसिन की फिटिंग्स है, अभी इंस्टॉल हो रही है, अभी हुआ नहीं है, इसलिए आपको दिखाने के लिए कि भाई इस तरीके से फिनिशिंग आएगी, ये प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके अंदर जो वेट एरिया और ड्राई एरिया दोनों सेपरेट है और सामने की तरफ रेफ्रिजरेटर का स्पेस है और जो ये वेट एरिया है उसके ऊपर प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। अगर इसके साथ जो क्रॉस वेंटिलेशन अगर मैं दिखाऊं तो वो सामने बालकनी भी काफी बढ़िया है, आप फील कर सकते हैं बालकनी काफी वाइड है। बैक साइड की जो बालकनी है उसको एक्सेस मिलता है दोनों बेडरूम से और किचन से, इवन वॉशरूम के अंदर भी वेंटिलेशन नजर आएगा, यहाँ पे विंडो ग्लास लगेगा। अभी इसमें तकरीबन 2 से 2.5 महीने का काम बाकी है, घर के अंदर अवेलेबिलिटी थी क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो मुझे लगा नहीं यार इसकी वीडियो बनाता हूँ, लोगों को जिनको चाहिए उनको हेल्प हो पाएगी। अब मैं इसके फर्स्ट बेडरूम में एंट्री करा रहा हूँ। इसका फर्स्ट बेडरूम में इटालियन कंसेप्ट की टाइल्स हैं और ये इसकी बैक है, इस पर वॉलपेपर भी आ रहा है, जिस भी पैटर्न का आपको वॉलपेपर चाहिए वो एक बजट के अंदर वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल हो सकता है। इसमें सामने LCD पैनल का स्पेस है और आपको प्रॉपर तरीके से जगह भी दी हुई है। और ये इसका वॉशरूम है, ये इसका वॉशरूम है, इस तरीके से इन्होंने टाइल्स का पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे ग्लास पार्टीशन आएगा बाद हुई है। कॉलर की फिटिंग्स है इसमें, अगर बात करें पूरी कॉलर की फिटिंग्स है, अगेन कॉलर यहाँ पे भी कॉलर है, अच्छा बड़ा अच्छा पैटर्न दिया हुआ है।
टाइल्स में काफी अच्छे ग्रूविंग्स हैं इसमें, जगह जगह ग्रूविंग्स ही हैं कि पानी एक तरफ खड़ा ना हो। ये इटालियन का टॉप है, इसके नीचे वैनिटी का स्पेस दिया हुआ है। अभी चमक धमक नहीं हुई इसमें, अभी काम चल रहा था, मैंने कहा नहीं यार इसको दिखाना है। पीछे की बैक साइड की बालकनी की जाने का भी स्पेस है इसमें, जो मैंने आपको दिखाया किचन से। अब मैं इसका वार्डरोब दिखाऊंगा। वार्डरोब है, टू सेक्शन वार्डरोब है, स्लाइडिंग दिया हुआ है। अभी इसमें फिनिशिंग चल रही है। अब मैं आपको इसके सेकंड बेडरूम के लिए देख चुका हूँ। ये लास्ट बेडरूम से थोड़ा सा बड़ा है और ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पे भी वॉलपेपर लगेगा आपके अकॉर्डिंग, आपके कलर्स की कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इंस्टॉल हो सकता है। सामने एलसीडी पैनल दिया हुआ है। अब ऊपर भी स्टोरेज है और नीचे भी है, ये विजिबल शो पीस रखने का स्पेस है। और यहाँ पे थ्री सेक्शन वार्डरोब्स हैं बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम था उसमें टू सेक्शन थी, इसमें थ्री सेक्शन है, तो मुझे ऐसा लगता है ये मास्टर बेडरूम हो सकता है। ऊपर भी स्टोरेज है, नीचे भी है। अगेन क्रॉस वेंटिलेशन का भी, नेचुरल लाइट भी है और इन्होंने ग्रिल्स भी दी हैं। ये इसका वॉशरूम है। अगेन सामने आपके सामने सेम उस लास्ट बेडरूम की तरह, बट इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्राउन है, डार्क ब्राउन, इटालियन कंसेप्ट की टाइल्स हैं। और नीचे आप देख सकते हैं ग्रूविंग्स, सामने की तरफ ग्रूविंग्स, कोहलर की फिटिंग्स हैं और इन्होंने मेटल इनले किया हुआ है, इनले वर्क इसमें है। आप देख सकते हैं ब्रास का कोहलर की फिटिंग आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, फिनिशिंग काफी अच्छी है। और जो टाइल्स हैं, जो नीचे सेम वही टाइल्स हैं जो सामने की तरफ हैं, और तकरीबन इसका साइज होगा 5x2.5 की टाइल्स हैं, काफी अच्छी लग रही हैं। अब मैं आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखाता हूँ। अब मैं आपको इसके अंदर दिखा रहा हूँ, सामने से एंट्री करी, सामने की तरफ आपका फ्रंट की बालकनी है, ड्राइंग, डाइनिंग और ये आपका थर्ड बेडरूम में आपको लेके चल रहा हूँ। और ये इसकी बैक साइड है, बैक की अगेन बेड की बैक है, इसमें भी आपको वॉलपेपर इंस्टॉल हो जाएगा। सामने की तरफ ग्रे कलर का लैमिनेट से उन्होंने एलसीडी पैनल का स्पेस दिया हुआ है और इसी कलर से मैच होता हुआ इनके वॉलपेपर्स हैं। और जो अभी लास्ट बेडरूम दिखाया सेकंड बेडरूम, वो हमारा मास्टर बेडरूम है, टू सेक्शन वॉलपेपर है इसमें। बालकनी सारे घर में बालकनी का एक्सेस हर तरफ से है, अगर आप किचन में हैं, अगर आप बेडरूम्स में हैं, कहीं से भी ड्राइंग रूम में है, हर तरफ से आपको बालकनी का एक्सेस मिल रहा है, कहीं से आपको स्टॉपेज नहीं लगा होगा। स्पेस काफ़ी अच्छा है। जो नीचे की फ्लोरिंग टाइल्स हैं वो भी काफ़ी मैच करती है टाइलिंग से। और मैं आपको इसके थर्ड और लास्ट वॉशरूम में लेके आ रहा हूँ। इसकी टाइल्स भी काफ़ी अच्छी हैं, इन्होंने पूरे घर में ग्रूविंग्स का काम कंटिन्यू रखा है, क्योंकि ये काम आजकल इन है। डीएलएफ में भी मैंने काफ़ी देखा हुआ है, इन्होंने इटालियन और इसमें ग्लास वर्क का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, अच्छा लग रहा है। अगेन ग्रूविंग्स आप देख सकते हैं टाइल्स में और काफ़ी अच्छा है। नीचे भी इन्होंने पार्टीशन जो दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डाउन करके ग्लास पार्टीशन अगर लग गया तो सोने पे सुहागा है। कॉर्नर की फिटिंग्स हैं इसमें, सैनिटरी फिटिंग्स जो हैं वो रोका की हैं। और फ्रंट की बालकनी के अंदर इन्होंने पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा हुआ है कि अगर घर से बाहर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर है, उन्होंने क्या करा है, पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील की इन्होंने फ्रेम का काम दिया हुआ है। ग्रेड भी अच्छा लगा हुआ है, 304 का जिंदल स्टील लगाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पूरे घर का टूर कराया, काफ़ी बढ़िया बिल्डर फ्लोर है, अवेलेबिलिटी 3 फ्लोर्स अवेलेबल है, मिडल फ्लोर दिखा हुआ है, टॉप फ्लोर अवेलेबल है, अपर ग्राउंड अवेलेबल है और प्राइस साइड भी काफ़ी अच्छा है। जैसे बिल्डर आजकल में हमें जो प्राइस टाइज है उसके हिसाब से है। और इसमें फ्लोरिंग काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। अब भी इसमें बहुत सारा काम बचा हुआ है, फाइनल टच बचा हुआ है, तो जो काम अगर आप हल्का फुल्का चेंज कराना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग हल्का फुल्का चेंज करा सकते हैं। इसमें अगर बात करें लोकेशन की तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन पर है, हांगकॉन्ग मार्केट पास में है, SGFC स्कूल पास में है और हॉस्पिटल आर्टेमिस पास में है, W प्रतीक्षा पास में है, मेट्रो तकरीबन
1.8 किलोमीटर के आसपास मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 55-56 का। अप्रोच काफ़ी बढ़िया है, अप्रोच की बात करें तो बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, एक बार विजिट करेंगे तो शायद बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस साइज़ में इस तरीके का लेआउट काफ़ी कम मिलता है और बिल्डर का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और जो हमारे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस मैं आपको लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।